क्या चीज़ उन्होंने उसमें से क्या निकली, दोनों में से क्या निकली, एक अच्छी बात वो पेश करने की कोशिश की उन्होंने, और वो सुन के मुझे अच्छा लगा। फिल्म देखने के बाद लोगों को मालूम पड़ेगा, ये होना चाहिए, दंगों पर भले फिल्म बनाए लेकिन फिल्म से लोगों का फ़ायदा ये होना चाहिए कि भाई इससे कुछ बदलाव आया है, आगे चल के ऐसे दंगे ना हों, है ना, और लोग समझने लगे कि भाई इसके पीछे क्या होता है, क्यों दंगे होते हैं। ये फिल्मों के ज़रिए लोगों तक बात पहुँचे तो ज़रा आसान हो जाता है, और वो चीज़ है इसमें, और ये सुन के अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है लोगों को अच्छा लगेगी। सर आजकल इस पे काफ़ी सारी मूवी आ रही है ऐसे उस पर लेकर, क्या? हाँ जी आ रहे हैं, फिल्म तो बनेगी ना, फिल्में तो बनेगी, और उसमें यही कोशिश होती है कि एक एंटरटेनमेंट के साथ, ऐसा नहीं कि पूरा दंगे दंगे दिखाएंगे, लोग थिएटर में क्यों आएंगे भाई, गाने भी चाहिए, तो एक स्टोरी है। हीरो देव जो है वो मुजफ्फरनगर में क्यों आता है और कैसे क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, वो चीज़ है। एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज भी है, तो लोगों को मसाला भी चाहिए, मसाले के साथ जो कहना कहिए, तो वो बात है इस फिल्म में। मेरा अभी गोलमाल 4 कर रहा हूँ अगले महीने से जी, रोहित शेट्टी उनके साथ कर रहा हूँ, वही हमारा टीम। कितना गोलमाल रहेगा इस बार? कितना गोलमाल रहेगा? अरे अभी इस बार तो और ज़्यादा गोलमाल है, बहुत बढ़िया गोलमाल है। ठीक है सर, इसमें तप्पू जी और परिणीति चोपड़ा भी ऐड हुई है। ये सब पता है इनको यार, यस यस, मुझे नहीं पता था वो ऐड हुई है, तप्पू जी है, हाँ मशीन में भी, हाँ मशीन में गेस्ट अपीयरेंस किया मैंने उनके बेटे के लिए, बिल्कुल अब्बास मस्तान भाई के साथ हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, और उनके साथ बहुत काम किया मैंने, वो फिल्म भी आ रही है मशीन। मुस्तफ़ा अच्छा काम किया मुस्तफ़ा ने, मैंने कुछ सीन देखे हैं, बढ़िया काम किया है, और अब्बास मस्तान भाई के बेटे हैं तो अपने बेटे से अच्छा काम करवा के लेंगे और जान लगाएंगे, देखो कैसे फिल्म बनती है, ग्रेट डायरेक्टर्स हैं और अच्छी फिल्म होनी चाहिए। बेटे की बात की तो आपके बेटे के लॉन्च के लिए क्या कुछ कहोगे, क्या हो रहा है, किस तरह की प्रिपरेशन हो रही है? बेटे मेरा बेटा भी लगा हुआ, अभी स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल करके आएगा। क्या कॉमेडी में आएंगे क्या? नहीं वो कुछ अलग ही लेके आएगा भाई, आज के बच्चों में क्या वो क्या लेकर आएंगे हमें पता नहीं होता, हमको बताते भी नहीं है, उनके अंदर एक अलग आग होती है, वो लेके आ जाएंगे करेंगे। सर एक सवाल काफ़ी हटके है, अपना कंप्यूटर किसको मानते हैं आजकल? एक टाइम था खाली आप ही कॉमेडी करते थे, कॉमेडी आप ही करते थे, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, उस टाइम में रेडियो शो वगैरह नहीं होते थे। अच्छा तो मैं किसको मानता हूँ? देखिए मैं अभी जितने लोग कॉमेडी कर रहे हैं सभी, कपिल भी अच्छा कर रहा है, सुनील ग्रोवर अच्छा कर रहे हैं, सुदेश लहरी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कृष्णा भी कर रहे हैं, ये लोग अपना कर रहे हैं, लेकिन फिल्मों में उभर के नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगे, कोई ना कोई निकल के आएगा, जैसे हम आ गए कोई ना कोई तो आएगा, आना चाहिए इनको, फिल्मों में आना चाहिए। आपके हिसाब से फिल्मों में कौन अभी बताइए? नहीं जॉनी लीवर नहीं, नए लड़कों को तो मैं फिल्में कम देखता हूँ। अच्छा अच्छा सर, लेकिन ये भी लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि कपिल ने जो भी हैं क्वालिटी, तो जो कॉन्टेंट का क्वालिटी वो डेड टू डेड हुआ है, क्योंकि आपके समय में इस तरह की नहीं थी कि क्वालिटी, जैसे आपने बाजीगर में भी काम किया लेकिन कॉमेडी देखिए उसमें ऐसा नहीं कि आपने क्वालिटी को डिग्रेड किया है। लेकिन नेट कॉमेडी क्या, हमने जिनसे सीखा है, जिनको देख देख के हम सीखे, हम तो कोई किसी क्लास वास में नहीं गए, हमारे टाइम में किशोर कुमार जी थे, महमूद साहब थे, और किशोर दोनों बहुत महान कलाकार लोग थे, और किशोर कुमार जी बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉमेडी करते थे, तो ये हमारे लिए वो आदर्श रहे, तो हमने उनसे सीखा है और उनको देखा है, तो हम लोग जो कुछ किया तो जो भी कुछ किया वो ज़माने में होता था, लेकिन आज के हालात कुछ अलग हैं, आज का माहौल अलग है, लोग कुछ और चाहते हैं, उस हिसाब से फिल्म बनती है, तो किसी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, बहुत घुसना पड़ता है, 100% देना पड़ता है, उसके लिए ना हमारे पास टाइम है, ना राइटरों के पास टाइम है, ना डायरेक्टरों के पास टाइम है, ये प्रॉब्लम है। नहीं भाई क्या हुआ, क्या गलती की भैया, देखो अभिनेता 4 अक्षर होते हैं, अभिनेता,
अगर मैं बन जाऊंगा नेता तो दो अक्षर कम हो जाएंगे, आए को यार चार लेके हो ना। यू कैन अंडरस्टैंड ही हैज हैड अ टोटल फिल्मी करियर, यस टोटल पैकेज as he calls himself, and I think one of his famous successes was this Marathi movie called Pakda Pakdi, jo abhi kuch time pehle hi release hui thi. So thank you sir for joining me on stage. Sir, ap picture ke bare mein. Samroh ke mukhya atithi Shri Satyapal Singh ji aur hamare comedian Johnny Lever ji aur hamare jitne bhi aadarniya jo गेस्ट है, जितने भी आए हुए हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों, मुजफ्फरनगर 2013 का इस जो ट्रेलर लॉन्च का जो शुभ अवसर पर मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसे देखते हमें ऐसा लग रहा है कि आज एक छोटा सा बच्चा जब चलना शुरू करता है तब उसे देख के उसका माँ बाप को जो खुशी होती है ना, वो ठीक वही खुशी हो रही है आज। जो मुजफ्फरनगर 2013 ये दंगा दिखाना नहीं था हमें, और इसके साथ किसी का जो हुआ दंगा, जो हो गया उसका ना पोस्टमार्टम करना है, जो हो गया और इन लोग इसमें जो लोग और कुछ जो हालात हुआ है उसको आगे नहीं होना चाहिए, ये मेन मकसद है इसका। और जब मैं इसका जो फिल्म का शुरुआत के लिए जो गया लोकेशन देखने और जो इसका कुछ रिसर्च करने गया, उस जगह पे गया जहाँ ये घटना घटी है, तो देख के ऐसा लगा कि ये जो हिंदुस्तान का किसी भी कोने में कभी भी नहीं होना चाहिए, ये सब देख के मुझे ऐसा लगा। तो फिर हम लोग बैठ के इतना उसके मेहनत किए, इसका डिटेल निकाले, सब रिसर्च करने के बाद फिर एक स्क्रिप्ट बन गया। फिर मनोज जी ने अपने हिसाब से वहाँ का होने के बाद सारा डिटेल्स निकाल के रखे थे, क्या होता है, क्या हुआ, क्यों, कैसा, इसका नतीजा क्या हुआ। सो फिर उसको एक फिल्म के जरिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारा मेन मकसद है। या और मेरे जितने भी टेक्नीशियन और जितने भी मेरे क्रू मेंबर सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अब पहले ट्रेलर देखना चाहिए, इतना इंतज़ार कराना भी ठीक नहीं है। तो बस आई थिंक सर ने सही कहा है, राइटली सेड, आई थिंक इट्स टाइम टू वॉच द ट्रेलर, वी हैव ऑल बीन वेटिंग टू सी। आई थिंक इनको True Shri Satyapal Singh ji and Manoj sir to kindly present the bouquet to Johnny sir. मनोज कुमार को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के बारे में ये एक ऐसी फिल्म बनानी सोची, और हरीश कुमार डायरेक्टर जिन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाने का प्रयत्न किया, तो आपको मालूम चलेगा कितनी अच्छी बनी है। और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ। 2013 में जब ये राइट हुआ, मैं यहीं, बहुत लोगों को मालूम होगा मैं पुलिस कमिश्नर था यहाँ पर, मुझे मालूम नहीं, मनोज ने ज़रूर ये बात रखी होगी, 1947 के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उस समय भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर मेरठ के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी बात थी। एनी मोर क्वेश्चंस? वी हैव गॉट वन क्वेश्चन देयर। मनोज जी, जैसे मुजफ्फरनगर रखकर आपने इसको एक लिमिटेशन दे दी कि मुजफ्फरनगर के बारे में ही है, यू कुड हैव केप्ट इट लिटिल ग्लोबल आल्सो, चीज वही रहती, कुछ उस तरह से सोचा था लिखते वक्त, या यू बिलोंग टू दैट प्लेस, दैट इज व्हाई आपको अटैचमेंट था? नहीं, वो एक्चुअली सी, ये जो मुजफ्फरनगर 2013 का जो इंसिडेंट है, जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेके आ गए जिन्होंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ था स्टोरी, तब मैं पूछा उनको, मुझे नहीं मालूम था मुजफ्फरनगर का, इतना डिटेल नहीं पता रहता है कि ठीक है, मुंबई वाले को थोड़ा सा कम रहता है। जब बोला मैंने, मुझे बोला नहीं नहीं फिल्म बनानी है, मैं बोला कि सीरियसली बोल रहे हो, क्योंकि मेरे पुराने दोस्त है वो, तब उन्होंने बोला कि हाँ सीरियसली है, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है। तो फिर
उसके हिसाब से चलने लगे हम लोग। फिर उसमें करते करते उस स्क्रिप्ट में और चीज़ें आ गया है, एक चीज़ें जो एक मैसेज के थ्रू हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि सारे जो जितना भी राइट्स हुआ ये हुआ इसको एज इट इज़ शूट किया उसी लोकेशन में। और जब शूट के लिए जब परमिशन के लिए गए हम लोग, परमिशन नहीं मिला बिकॉज हम लोग एक्चुअल लोकेशन में जहाँ जहाँ हुआ ये घटना वहीं किए सब शूटिंग, तो परमिशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरना पड़ा हमें। फिर भी मनोज जी एक जिम्मेदार प्रोड्यूसर के रोल निभाए वहाँ पे, वो डटे रहे हर प्रॉब्लम्स में, इसके लिए मुझे शूट करने में बहुत आसान रहा। तो मुजफ्फरनगर 2013 यस यस दैट इज़ ट्रू, बट मुजफ्फरनगर 2013 में जो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है हमने दिखाया वो, क्योंकि उसको ज़्यादा फोकस किया है। इट्स नॉट अबाउट कम्युनल क्लैशेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ये एक जो लोगों को ये करना नहीं चाहिए, किससे क्या नुकसान होगा क्या है वो दिखाया है। इसके लिए हमने किसी भी कोई भी मजहब को या किसी भी कोई भी हमारे जो यूनिट में कम से कम 30% 20% मुस्लिम्स थे इसमें, और हिंदूज भी थे, सब सब खुश है, सब कोई भी ऐसा नहीं बोले ये सर ये ठीक है, एक वन साइडेड हो रहा है, ये कुछ नहीं है, एक इंडियन के लिए है एक मैसेज, हर इंडियन के लिए, इसमें नो कास्टिज्म कुछ नहीं है, सब एक है। थैंक यू।